समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर नगर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अजय यादव के अध्यक्षता में पूर्व मंत्री नारद राय अपने जन संदेश यात्रा रोड शो महर्षि भृगु बाबा के मंदिर से निकली। इसके पूर्व श्री राय ने नगर के सभी प्रसिद्ध देवस्थलों पर समाजवादी साथियों संग जाकर पूजन अर्चन किया। रोड शो के दौरान भृगु मंदिर परिसर में नगर पालिका सदस्यों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब भी देश पर सियासत करने वाले लोग जनगण के आकांक्षा को चकनाचूर करने का काम करते हैं, तब तब महर्षि भृगु की क्रांतिकारी धरती से बगावत का बिगुल बजाकर सत्ता से बेदखल करने की शुरुआत बलिया ने किया है। जी, आज आप यात्रा निकाला, क्या आपको लग रहा है कि कैसा? पहले तो आपका चुनाव का तैयारी नहीं था, अचानक इस तरह का क्या हुआ? कौन कहा आपसे कि हम लोग चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव की तैयारी, संघर्ष की तैयारी रोज करने का काम करते हैं। उसी कड़ी में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी, 1 जनवरी को साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के लोगों को तोहफा दिया और कहा हमारी सरकार बनेगी और 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त में देने का काम किया जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी दिन घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश के किसानों को खेत की सिंचाई मुफ्त करने का काम करूंगा। उसी दिन घोषणा किया कि जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सारे नेता उन लोगों को शहीद का दर्जा दे रहे हैं और सरकार बनेगी तो उनके परिवार को 25-25 लाख मुआवजा देने का काम किया जाएगा। 10 लाख लोगों को पहली कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरी दिया जाएगा। यही संदेश लेकर के आज बलिया विधानसभा के सभी गठबंधन के साथियों के साथ हम सड़क पर निकले हैं और एक एक आदमी तक इस बात को पहुंचाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगा।